मानव निवेदिता। आपने सरकारी अधिकारियों और जजों के तबादले की बात तो सुनी होगी, लेकिन अगर हम कहें कि किसी जज को उस वक्त तबादले का आदेश जारी कर दिया गया जब भरी अदालत में सुनवाई चल रही थी। जैसे ही आदेश आया, जज को तुरंत सुनवाई अधूरी छोड़कर उठना पड़ गया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये वाकया बिल्कुल सच है। और ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उसी पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जो इस वक्त कश्मीर मसले पर दहाड़े मार मार कर रो रहा है। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में ऐसा शायद कभी हुआ होगा जो 29 अगस्त को हुआ, कि किसी मामले की सुनवाई कर रहे जज के मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आता है और उन्हें तुरंत एक मिनट की देरी किए बिना भी केस छोड़कर जाना पड़ गया हो। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के पंजाब प्रमुख और पूर्व कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ ड्रग मामले में सुनवाई के दौरान नारकोटिक सब्सटेंस के नियंत्रण के लिए विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी, जिसके अध्यक्षता जज मसूद अरशद कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से काम बंद करने के लिए कहा गया, इसलिए वो कार्यवाही जारी नहीं रख सकते। जस्टिस अरशद ने बचाव पक्ष के अभियोजन पक्ष के वकीलों को बताया कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला है, मुझे काम रोकने के लिए कहा गया है और मेरा ट्रांसफर लाहौर हाईकोर्ट कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान जज ने पाया कि सनाउल्लाह की कार से 15 किलो की हीरोइन की बरामदगी के संबंध में अदालत ने जो वीडियो अभियोजन पक्ष ने पेश किया है उससे रिकवरी नहीं हुई। अदालत सनाउल्लाह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस अरशद ने कहा, मैं केवल भगवान के प्रति जवाबदेह हूँ और इस मामले में जो भी शामिल है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष PTI सरकार द्वारा फर्जी मामले को साबित करने में विफल रहा और अदालत ने सनाउल्लाह को जमानत देने का इरादा किया, लेकिन जज का सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। यह अभूतपूर्व है और शायद अतीत में पाकिस्तान के तानाशाही शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान की न्यायपालिका के लिए काला दिन है। PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि चयनित PM इमरान खान ने जज का तबादला करके न्यायपालिका पर हमला किया है। इमरान खान एक फांसीवादी है और वो अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स जैसे राज्य संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस ट्रांसफर लेटर में जिन तीन जजों मुश्ताक इलाही, मोहम्मद नईम अरशद और मसूद अरशद के नाम शामिल हैं, ये सभी जज मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राणा सनाउल्लाह से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। सत्ता में आते ही इमरान खान, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के पीछे पड़े हैं। उनके नए पाकिस्तान में किस तरह से जजों को सुनवाई करने से रोक दिया जाता था वो बताता है कि किस तरह से डरपोक इमरान खान की सत्ता में अंधा कानून।